देखिए, जैसे कि अब आप सभी जानते ही हैं कि ये लोकसभा चुनाव एक हमारे लिए युद्ध का काम करता है। चुनावी बिगुल बज चुका है और अब ये अंतिम पड़ाव पर है। और जनता से मेरी यही अपील रहेगी कि आने वाली 12 तारीख को, 12 मई को कमल के फूल का बटन दबा के भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाएं और मोदी जी के हाथ मजबूत करें। क्या उम्मीद दिख रही है आपको? उम्मीद साफ है, जैसे कि आप देख रहे हैं कि देश के अंदर कितना बड़ा गठबंधन होता जा रहा है। यदि ये गठबंधन हो रहा है, ये बिल्कुल साफ है कि मोदी जी मजबूती से उभर कर आ रहे हैं। किसी को टक्कर में मानते हैं या नहीं? बिल्कुल नहीं, कोई नहीं है टक्कर में, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है। और ये बहुत ही जल्द 12 तारीख के बाद रिजल्ट में पता चल जाएगा। मतदाताओं से क्या अपील करना चाहिए? मतदाताओं से सिर्फ इतनी ही अपील मैं करना चाहूँगी कि सोच समझ के अपनी वोट का निर्णय लें। काफ़ी समय हो गया इन लोगों को टमाटर और प्याज की राजनीति करते हुए। ये पहली बार है कि मोदी जी के आने से जनता पहली बार सोच रही है कि देश हित क्या होता है और हिंदुत्व क्या होता है। इस बार पहली बार ये मोदी जी को वोट करके अपने देश को विजयी बनाएंगे। फिर एक बार मोदी सरकार, कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं।